जैसे मैंने कैमरा ऑन करा वैसे ही कैमरा ऑफ करा दिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट ही कर रहा हूँ तो यार ब्लॉग होना चाहिए मज़ेदार। इतने दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है तो मज़ेदार ही होना चाहिए ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम। तो देखो, इस टाइम मैं जयपुर में हूँ, वहाँ देख सकता हूँ। अरे शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड, ये देखो। इस टाइम मैं जयपुर में हूँ, अभी मैं स्टेशन से बाहर ही आ रहा हूँ और जस्ट अभी मैं मरीन से उतरा हूँ। और ट्रेन में मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, कल रात 8 बजे हम ट्रेन में बैठे और अब उतरे हैं सुबह मॉर्निंग में। तो उतरते ही सबसे पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है। तो गाइस, यहाँ से हम जा रहे हैं वैन करने, वैन हमें लेके जाएगी रिंगस खाटू श्याम। तो अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाकी लोग टिकट ले रहे हैं, तो अभी हम इतने थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ब्रेड और कढ़ी मिल रही है। कैसी भाई, कैसी लग रही है? ये तो भाई साहब ब्लॉग से शर्माते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये खा लेते हैं क्योंकि कुछ खा नहीं रखा, ये खा के बात करते हैं आपसे। तो गाइस, हम बैठ चुके हैं बस में और अब हम जा रहे हैं सीधा खाटू श्याम। और सुबह के 7:30 हो रहे हैं, पहले 1 घंटा हो गया। थोड़ी सी पेट पूजा भी कर ली क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। विवेक भाई, भाई तो को मेंशन किया था, आ गया था। और हमारे साथ चिंटू जी, चिंटू भाई, तीनों को तो आप जानते हो, तीनों आए हुए हैं सॉरी दोनों मेरे ब्लॉग में, विवेक भी और चिंटू जी भी। इनका नाम चिंटू जी है। तो गाइस, अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। थक गए यार ट्रेन में। गाइस, अभी थोड़ी सी हल्की हल्की तीव्र झपकी मारी, नींद आ रही है यार बहुत तेज। ट्रेन में तो सोए नहीं, बस में थोड़ा सोने को मिला, तो थोड़ी देर के लिए मैं और ये दोनों सोए। अब थोड़ी बेटर फीलिंग आ रही है। तो गाइस, हम बस से उतर चुके हैं और आप पीछे देख सकते हैं वो शाम खाटू श्याम का गेट है, रिंगस गेट। हम यहाँ आ चुके हैं, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। और ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला, तो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ यार, मैं तो ब्लॉग भी बनाना भूल गया। रेल में तो हम सो नहीं पाए थे, तो हम बस में थोड़ा सो गए थे। 1.5 घंटे के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं रिंगस। तो गाइस, सोते सोते टाइम तो कट गया, मगर रेल का टाइम नहीं कटा था क्योंकि उसमें हम चौंकते हुए गए थे। देखो गाइस, खाटू श्याम रिंगस गेट। तो यहाँ पर थोड़ी सी फोटो वोटो शूट कराते हैं। शूट कहाँ, कैमरा तो लाया नहीं मैं, फोटो खिंचवाते थोड़ी सी और फिर चलते हैं। तो गाइस, अभी हम नहाने आए हैं, नहा के करेंगे दर्शन। नहा धो के रेडी हो के दर्शन वर्शन करके कुछ खा पी के घर घर थोड़ा घूमेंगे फिर घर। तो गाइस, यहाँ पर हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, शोर आ रहा है यार। तो गाइस, यहाँ पर हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने।
खाटू श्याम ओके तो चलते हैं। यहाँ पर हम प्रसाद ले रहे हैं और वहाँ रखा है हमारा सबका सामान बैग बैग। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दर्शन करने, सब कुछ हो गया है, प्रसाद ले लिया है। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा लेने आ जा खाटू वाले हा लेने आ जा। तो आज ज्यादा भीड़ नहीं है, हमारा नसीब अच्छा है कि यहाँ पर लाइन नहीं लगी, वरना ये देखो पूरा पीछे तक ये भरा रहा था पब्लिक से और नंबर बहुत घंटों में आता है, बहुत ज़्यादा पूरा भरा रहता है। हाँ ये दिखाओ ना पीछे, पूरा पीछे तक है। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, भीड़ देखो। दर्शन हो चुके हैं, जैसे मैंने कैमरा ऑन करा वैसे ही कैमरा ऑफ करा दिया, अब फोटो शूट करने हैं यार। गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर, वो जो गेट आपने पहले देखा था वहीं जा रहे हैं, पहले हमने फोटोज वीडियो शूट नहीं कराई थी वहाँ, बट अब कराएंगे। तो गाइस हम पेट पूजा करके जा रहे हैं घर क्योंकि बहुत थक चुके हैं हम। यहाँ पर बस कढ़ी और कचौरी और क्या मिला ब्रेड, बस यही है और दिखा के सीधा घर। तो गाइस अभी हम उतर रहे हैं, क्या नाम है इसका, रिवाड़ी पर उतरे हैं ट्रेन चेंज करने हैं। अब रिवाड़ी हमें सीधा दिल्ली लेके जाएगी, दिल्ली में उतरते ही जो सुकून मिलेगा ना, इस टाइम बहुत थके हुए हम, मज़ा आ जाएगा। हमारे चिंटू भाई ट्रेन खींच रहे हैं, बहुत लेट आई है ट्रेन। तो गाइस हम स्टेशन पे उतर चुके हैं अपने और अब हम जा रहे हैं घर। अपनी दिल्ली में अलग ही सुकून है, दिल्ली उतरते सुकून सा आ जाता है कि हाँ घर आ गए, बाकी अभी तक घर गए नहीं, मगर एक फील होती है ना कि दिल्ली में एंट्री हो गई है, वो बहुत अच्छी लगती है सुकून। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अब कुछ ज़्यादा आवाज़ निकल रही है मेरी और तेज भी आ रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी। बारिश शोर शराबा था यार, माइक लूँगा मैं वॉइस के लिए जो सही आए मेरी वॉइस।
तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को एंड। व्लॉग पसंद आया देखो भाई, बहुत बड़ी बहुत बहुत मेहनत करी है, तो व्लॉग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मेरा वैसे ही 2-3 सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं क्योंकि व्लॉग नहीं चल रहा था, तो भैया अनसब्सक्राइब तो करोगे, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना थोड़ा व्लॉग। मुझे लगा कि मैं व्लॉग बनाने भूल चुका हूँ, थोड़ा सही नहीं बना व्लॉग, बाकी मेरी तरफ से तो भाई पूरी कोशिश थी मेरी, इसलिए प्लीज़ लाइक कर देना और व्लॉग को शेयर कर देना। मिलते हैं बाद में, जय हिंद, बाय बाय।